जेक और निटेरी के ग्रह पर महामारी फैलने के कारण जेक और निटेरी पृथ्वी पर एक ऐसे मोती की तलाश में निकले थे जिसके छूने से उसके ग्रह के सभी व्यक्ति बच सकते थे। वह मोती उन्हें समुद्र में जाकर ढूंढना था, इसलिए वो समुद्र में उतर गए। परंतु समुद्र में उतरने के बाद वे दोनों खो गए। कुछ समय बाद निटेरी को समुद्र में एक जलपरी दिखी। जलपरी ने निटेरी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? निटेरी को पृथ्वी की भाषा बोलने नहीं आती थी, इसलिए वो चुप रही। जलपरी उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगी। तभी समुद्र की राक्षसी वहाँ आ गई और उसने जलपरी से कहा, जलपरी, इसे तुम कहाँ लेकर जा रही हो? ये तो मेरी बहन है जो खो गई है, इसे मुझे दे दो, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। और राक्षसी निटेरी को अपने साथ समुद्र में लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद वो निटेरी को मारकर खा जाती। इधर जेक निटेरी को ढूंढता रहा, तभी उसे वो जलपरी दिखी। क्योंकि जेक को पृथ्वीवासी की भाषा बोलने आती थी, इसलिए उसने जलपरी से कहा, जलपरी, क्या आपने किसी महिला को यहाँ से जाते देखा है? वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है, वो मेरी पत्नी है। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन समुद्र की राक्षसी बोल रही थी कि वो मेरी बहन है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। आओ मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें अपने साथ गहरे समुद्र में, जहाँ वो राक्षसी तुम्हारी पत्नी को लेकर गई है। चलो मेरे साथ। तुम जलपरी जेक को अपने साथ लेकर गहरे समुद्र में चली गई। वहाँ वो राक्षसी निटेरी को खाने ही वाली थी कि जेक ने उसे रोका। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और जेक ने राक्षसी को मार डाला तथा निटेरी की जान बचा ली। परंतु वो मोती उन्हें अभी भी नहीं मिला था। जलपरी के पूछने पर जेक ने उसे मोती के बारे में बताया। तब जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से मोती को खोज निकाला और जेक को दे दिया। जेक ने जलपरी का धन्यवाद किया और मोती लेकर अपने ग्रह पिंडारा को चला गया।